यूपी के महाराजगंज जिले में मिलावटी दूध बेचने के मामले में 23 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी गवाले को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की अदालत ने दिया है। आपको बता दें, सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मीणा त्रिपाठी ने बताया कि मामला 17 मई 1999 का है। यहाँ ऑफिसर गेट कॉलोनी के पास से तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ML गुप्ता ने 3 गवालों से दूध का नमूना लिया था। दूध में मिलावट पाए जाने पर इस मामले में चौक थाना क्षेत्र के खजूरिया के रहने वाले राम सजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय पहुंचा, जहां 23 साल से मामला विचाराधीन चल रहा था। 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील द्वारा साक्ष्यों के साथ 4 गवालों की गवाही कराई गई। फिर कोर्ट ने आरोपी गवाले को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं साजापुर में साल 1997 में जहरीले आटे से बनी रोटी खाने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत का ये फैसला 25 साल बाद आया है। अपर सत्र न्यायालय द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए दुकानदार सत्यनारायण अग्रवाल और राकेश कुमार को दोषी माना। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गौरतलब है कि साल 1997 में रोजा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों और आसपास के लोगों ने 2 दुकानों से आटा खरीदा था। उसी आटे से रोटियां बनाकर खाने के बाद सभी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक एक करके 14 लोगों ने दम तोड़ दिया था। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।